दोस्तों मैं निकी हूँ और ये मेरा ब्लॉग है। मेरे डैड की मौत के बाद मुझे मेरे दोस्तों से छीन लिया गया था और इस हॉरिबल सिचुएशन को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब मैं 30,000 मीटर ऊंची उड़ान पर हूँ, एक ऐसा देश जिसे मैं जानती नहीं। ईव के साथ रहने वाली मजबूर महिला जिसने मुझे इस दुनिया में लाया, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती सिवाय ऑनलाइन पढ़ी जाने वाली कुछ खबरों के सिवा। मैं आप सभी को और अद्भुत कारनामों को याद करूंगी जो मैंने आप लोगों के साथ घुड़सवारी, सैर, समुद्र तट, दिन और बीच में सब कुछ। मुझे यकीन है मेरे पास बहुत सारे लोग होंगे इस ब्लॉग पर आपके साथ साझा करने के लिए। एक वैज्ञानिक है, डैड ने मुझे बताया कि जब वो स्कूल में थे तब वो दुनिया सुधारना चाहता था। चेक गणराज्य में बेनेसोव जिले में स्थित है, जहां नागरिक 60 वर्षों से जल विद्युत पर निर्भर हैं। सीईबी बांध द्वारा उत्पन्न, लेकिन अब क्षितिज पर एक अच्छी खबर है, इसे हेलिलियोस कहा जाता है। हम प्रोमेथियन कनेक्टिक लैब में हैं। विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाने वाली डॉक्टर कार्टर के साथ तीसरी दुनिया के देशों की हेलिलियोस परियोजना, क्या आप हमें बता सकती हैं साहसिक कार्य के बारे में? मुझे हमेशा स्थायी ऊर्जा के नए स्रोतों में दिलचस्पी रही है। मैं और मेरी टीम ने हीलियोस विकसित किया, जो एक विशेष मिश्रण है पृथ्वी की पपड़ी की सतह परत से निकाली गई गैसेस। ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर कचरे के उत्सर्जन के बिना दहन की अनुमति देता है। ये 70 मीटर की गहराई पर होता है। उच्च शक्ति रूपांतरण टर्बाइन प्रणाली, जिसे हम मेडुला कहते हैं। विशेष रूप से चेक गणराज्य क्यों? यूरोप परित्यक्त कोयला खदानों से भरा हुआ है और हम उसका पुनर्चक्रण करना चाहते हैं। हमारा पाइप नेटवर्क देश भर में कोयला खदानों के बीच फैला हुआ है। कोयला? ये एक नया पदार्थ है जो 100% सुरक्षित है और ये ग्रह द्वारा उत्पादित शुद्ध ऊर्जा है। ऐसा लगता है कि फ्रैक्चरिंग प्रक्रिया ने संयुक्त राज्य में गंभीर समस्याएं पैदा की हैं। ये एक नई प्रक्रिया है जो एक फ्रैक्चरिंग से बिल्कुल अलग है। हमने शानदार परिणाम हासिल किए हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आप अमेरिका के एक जहरीले पदार्थ निर्यात कर रहे हैं। वो प्रोमीथियन कैनेटिक्स या पीकेई, ये एक अमेरिकन कंपनी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कोई दस्तावेज नहीं है कि वास्तव में परियोजना का वित्त पोषण कौन कर रहा है। मैं आपको बता सकती हूँ कि इस प्रोजेक्ट में शामिल सभी लोग केवल परिवाह करते हैं, जो कि एक ग्रह जो स्वस्थ और सुरक्षित हो। धन्यवाद डॉक्टर कार्टर। थैंक यू वेरी मच। हम यूक्रेन में तेल पर रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर बहस जारी रखते हैं। फिर मुझे निराश किया। तुम्हें पता है उसे अफसोस है कि वो आज यहां नहीं आ सके। मेरी माँ? मैं उसे ईव कहती हूँ। अगर वो यहाँ होती तो उसे बहुत अच्छा लगता, मगर अफसोस है वो नहीं आ पाई। मैं अंदाजा लगाती हूँ, बेतुका समय है, उड़ गया, आग, लपटे और बाकी सब। चलो छोड़ो, अभी चलते हैं। ये आपके जीवन का एक नया अध्याय है। अतीत को पीछे छोड़ दो और वर्तमान में जियो। हाँ ठीक है। मैं उस औरत से क्या उम्मीद कर सकती हूँ जिसने मेरे डैड और मुझे छोड़ दिया?
अब मैं 18 साल की होने तक उनके साथ अटक गई हूँ। हम लगभग वहाँ हैं और घर पर भी एक आश्चर्य है। ऐसा लगता है कि जियोस और कैथरीन आपको बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल सही। इतनी ईशान क्यों हो? मेरे ब्लॉग निकी और मीडियो के लिए एक रोमांच का नया अध्याय। हम मीलों तक किसी से भी नहीं मिले। कौन जानता है कि क्या कम से कम ईद को याद है कि मुझे शुगर है। काश मैं उसे दोष दे पाती। ये मुझे मेरे डैड से बुरा सपना मिला है। डॉक्टरों ने कहा शुगर के कारण ही मेरे डैड को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। तुम्हारा रूम। आप मजाक कर रहे हैं?
आपको लगता है मैं एक छोटी बच्ची हूँ? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर दिखा दूंगा। हम कुछ और भी देख सकते हैं? ठीक है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अपना आश्चर्य दिखाता हूँ। अभी क्या दिक्कत हो गई? पिछले 5 महीने में ये 5 बार टूट चुकी है। आराम करो, किलियन इस पर काम कर रहा है। दरअसल किलियन डॉक्टर कार्टर को सुलाने पर काम कर रहा है। क्या हो गया काम? हाँ, बस ये बाकी चीजें यहाँ जोड़ दो। हम में से 2 है यार। ओके, आइए प्रतिरोधक की जांच करें। किलियन, प्रवाह में 10% की वृद्धि करो। स्वचालित उद्घाटन शुरू हुआ है। तो फिर प्रेशर सेट है 10%। ओके, स्मूथ। आइए इसे 40 पर लाएं। 20, 30, 40%। झटका था। हाँ, ये ट्रांसफॉर्मर होना चाहिए। मेजुला में दाब कितना होता है? 42.6%। इसे हल कर सकते हैं ना? हाँ, ठीक है, हमें इसे कम करने की आवश्यकता है। क्या ये नियंत्रण बोर्ड पर निर्भर करता है? इसे हल किया जा सकता है ना? शायद, लेकिन मेडुला में स्तर था 42%। हमें इन परिणामों का रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। ठीक है, दोनों वालों की जांच करें। अगर ये हल नहीं होता तो हम इसे जारी नहीं रखते। जरूर, मैं देखने के लिए नीचे जाऊंगा। और तुम घर जाओ। ठीक है। एक मिनट रुको, मंडे को परीक्षण होने वाला था, मुझे बता और कितनी देर लगेगी? हमें अपने सिस्टम की सुरक्षा की जाँच करने की आवश्यकता है। एक बंद वॉल के लिए अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं डेक्कन? ओके, तुम थोड़ा शांत रहो। ये आपकी छोटी विज्ञान परियोजना है, यह शायद आपका विचार था, लेकिन इसे खरीदा और वित्त पोषित किया गया था, क्या तुम्हें पता है? हाँ, बेशक मुझे पता है। और वो चाहते कि हम यहाँ काम करें, है ना? मैं इसे तैयार करना चाहता हूँ और वो चाहते हैं कि मैं ही करूँ। इसके लिए ही हम और टेस्ट कर रहे हैं डेक्कन। मैं भी इसमें हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इस सेंसर को बदलना काफी सरल है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और हेलियस को सक्रिय करते हैं। नहीं, हम हेलियस को प्रचलन में नहीं ला सकते हैं। हम अक्रिय गैसों को तब तक जारी रखेंगे जब तक हम सुनिश्चित नहीं कर लेते कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। आपने कहा इसे ठीक करना आसान है। मैं नहीं कह रही कि ये आसान है। मुझे समझाए डेक्कन, दबाव में हेलियस एक सुपरचार्ज की तरह है। ज्वलनशील तरल और मज्जा वह जो नियंत्रित करता है। मुझे नहीं लगता कि आप घाटी के नष्ट होने का जोखिम उठा सकते हैं। हमारे पास नियंत्रण प्रणाली है और बैकअप प्रणाली भी है। हो सकता है ये काम ना करे, लेकिन तुम अपना काम करो। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसे ढूंढो और ठीक करो। किलियन करेगा? वो वही करता है जो आप कहती है। क्योंकि किलियन जानता है कि मैं सही हूँ। मैं चीजों को मुश्किल बनाना नहीं चाहती। मेरे पास संभालने के लिए बहुत सारी निजी मामले हैं। मेरी बेटी अभी अभी आई है, मुझे घर जाना है। अगर आपकी बेटी आई है तो आप घर जा सकती है। आप जा सकती है? यकीनन, ठीक है। चलो निकलो यहाँ से। क्या हम इसे जल्दी कर सकते हैं? पता नहीं, रीडिंग क्या है जरा बताओ। 8.2, सामान्य से अधिक, मुझे पसंद नहीं है। हमें पहले समस्या का समाधान करना होगा। सिस्टम को फिर से कैलिब्रेट करें। शुक्रवार है, चलो घर चलते हैं। लेकिन अभी नहीं। मैं हूँ, मुझे पता है तुम वही रहोगी मेडुला में, लेकिन मैं थोड़ी चिंतित हूँ। मुझे नहीं पता, रुको। ओके, आई एम बैक। हे, मुझे बस, तुम्हें पता है, कोई बात नहीं। ओके, मुझे घर जाना है और काम के बारे में भूलना है। मैं पूरा वीकेंड फ्री हूँ और मंडे को मिलते हैं। ओके, बाय। कार्टर घर चला गया? हाँ, क्या सब ठीक है? ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर एक समस्या थी, लेकिन अब सब ठीक है। सेंसर्स, अतिरिक्त प्रणाली? हाँ, ठीक है सब। ओके, इसीलिए मैं परीक्षण के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या कहा?
आपने सुना मैंने क्या कहा? कोई समस्या है? क्या? लेकिन हम इसे सक्रिय करने से पहले कई परीक्षण करना चाहते थे। मुझे यकीन नहीं है कि सॉफ्टवेयर एकमात्र समस्या थी। और फिर देरी? क्या आप निवेशकों को समझा सकते हैं? निकलें। मैं चाहता हूँ सिस्टम सक्रिय हो। ये स्पष्ट है। या फिर सबको मुझे यहाँ से निकाल देना चाहिए। सक्रियण के साथ आगे बढ़े। रोजर दैट, हम मेडुला की आज्ञा लेते हैं। हम परीक्षण तैयार करते हैं। आइए काम पर लग जाते हैं। सोचना नहीं है कि क्या गलत है। हम ऐसा नहीं कर सकते, ये रेडी नहीं है। लोगों को अधिकतम बढ़ाया जाए और हिलियस को छोड़ दो। और ये है आश्चर्य। ईव और किलियन को पहाड़ों में घोड़ों की सवारी करना पसंद है। सुनो, तुम इन्हें खाना खिलाओ, फिर बहुत जल्द ये तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। बहुत खूब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इन्हें ऐसे ही प्यार से जीता जा सकता है। तुम्हारी माँ ने अभी शुरू किया है। क्या सच में ये उन्होंने किया है? ये इसके जैसा दिखता है। बिल्कुल ना, मैंने इसे कम से कम 50 बार किया है। निक्की को अपने घर के आसपास का माहौल दिखा रहा था। ओ अच्छा, क्या तुम्हें मेरा कमरा पसंद आया? बिल्कुल नहीं। तुम अपने हिसाब से उसे डेकोरेट कर सकती हो, ये तो अच्छी बात है। तुमने खाना खाया? वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं और डैड साथ में खाना खाते थे फ्राइडे को। आज फ्राइडे है ना? Okay, let's go. चलो खाओ और आराम करो, कल हम शहर जाएंगे। हेलो। अच्छा मैं करती हूँ। आप जाके निकी से बात कर लीजिए। नहीं नहीं ठीक है। कहाँ है वो? उसके रूम में। क्या वो पूरा समय वही रहती है? तुम्हारे लौटने के बाद उसने किसी भी भोजन को छुआ नहीं। मुझे सजा दे रही है, मुझे पता है। वो डरी हुई है। किससे? आपसे, मुझसे? लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं है? एक औरत उसके लाइफ में आती है और माँ बनने का नाटक करती है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने आपने और हेनरिक ने एक्टिविस्ट बनने के लिए भी चुना है। एक अंतर है, हम में से कुछ ने बच्चे पैदा नहीं किए। कुछ भी। ये मेरी पसंद नहीं थी। ओके हाँ, लेकिन आपने तय किया कि उसके पिता ने ही उसे पाला था। अब आपको उसकी माँ बनने से पहले उसका विश्वास जीतना पड़ेगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच कुछ भी। You're welcome. हाय दोस्तों, इस समझौता को देखिए। पीके और ईव की नवीनतम खोज के बारे में वीडियो, इसे विस्तार से दिखाया गया है। ये क्या ईव, आप नॉक भी नहीं कर सकती? मैं देखना चाहती थी कि तुम क्या कर रही हो। ब्लॉगिंग? ओ सच में? किस बारे में? मैं यहाँ कितना ऊब गई हूँ। आप क्या चाहती हैं? मैं बस चाहती थी। क्या? मैं बस कहना चाहती थी मैं तुम्हारे पिताजी के लिए दुखी हूँ। ये 1 साल पहले की बात है। हाँ पता है, लेकिन तब से हम लोग मिले ही नहीं हैं। मुझे आपके फूल मिले थे। अंतिम संस्कार में आना चाहती थी लेकिन काम ने रोक लिया। आप यही चाहती थी?
मुझे पता नहीं तुम्हारे पिताजी ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपके पास इसे दिखाने का एक अजीब तरीका है। और हाँ, एक बात और, क्या आपने शाकाहारी बनने का फैसला किया है? पर मैं नहीं हूँ, तो क्या मैं लंच में नॉन वेज खा सकती हूँ? तुम्हें डायबिटीज है इसीलिए मैंने किया। नॉन वेज ईव, मुझे प्रोटीन चाहिए। ठीक है ईव, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। आई, मैं अभी आती हूँ, उन्हें इंतजार मत करवाइए। क्या तुम लोग मुझे एक दिन भी आराम करने दोगे? मेरा सेल फोन बंद हो गया तो आप डायरेक्ट यहाँ आ गए। माफ करना, मगर हमें आपकी जरूरत है। किस लिए? हमने इसे सक्रिय कर दिया, हेलियोस। ये तुम क्या कह रहे हो? शायद आपको पता नहीं आप क्या जोखिम उठा रहे हैं। आप मदद करोगी या नहीं? मदद? मुझे नहीं लगता कि इस मूर्खता के लिए मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। दबाव में छोटे छोटे बदलाव होते हैं जो सिस्टम को बदल कर रख देते हैं। आपको उन्हें जांचना होगा। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कौन? चेक गणराज्य द्वारा बनाई गई ये नई ऊर्जा कंपनी है। नेवियो और सज्जनों, ये CIA की बहुत बड़ी साजिश है, जैसा कि हमें दिख रहा है। निकी, चले जाइए, ये कुछ उसके बारे बाहर में। बाहर जाइए। मुझे बुरा लगता है कि तुम लोग यहाँ बंद हो। मैं तुम लोगों को बाय बोलने आई हूँ। ऐसा नहीं दिखता। स्थिति खराब हो रही है, प्रेशर 49% बढ़ गया है। हाँ, पहले देखते हैं, लेकिन मुझे इस डेटा की जांच करनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या हो रहा है? ये ठीक नहीं है। ये 52% है। सब कुछ ठीक है? ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सब लोग यहां से चले जाओ।
तैयार हो जाओ, हमें मेडुला पहुंचना है। हमें इसे मैनुअल रूप से सक्षम करना होगा। हम नहीं जा सकते, ये बहुत खतरनाक है। तुमने सुना ना, चलो जल्दी फास्ट। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ऐसा नुकसान नहीं होने देती। मुझे लग रहा है हम लोग फंस गए हैं। हिम्मत से काम लेना है, ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। आग लगने तक ठीक रहेगा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। हमारे पास इसे निष्क्रिय करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय है। इसकी जांच करें। निर्जन रहेगा। एक और धमाका हुआ है। नहीं, वर्स। सुनो, तुम लोग कहां जा रहे हो? आप लोग नहीं जा सकते, तुमको यही रुककर ये सब ठीक करना होगा, समझे? ये आपकी गलती है। हाँ, कुछ जोखिम में थे।
लगता है मुझे ही कुछ सोचना होगा। शॉक जैसा दिखता था। आप कुछ ठीक नहीं लग रहे? क्या हुआ? प्लांट में एक्सीडेंट हो गया है। यह लगभग तय है कि और झटका लगेगा, हमें जाना होगा। बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुमसे कहा था वो आपकी तकनीक का उपयोग गलत मकसद के लिए करेंगे। चुप हो जाओ हेनरिक। आपकी कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस बारे में बात करने का ये समय नहीं है। हमें पानी, टॉर्च और माचिस लेनी है। निकी, मैं चाहती हूँ कि तुम थैला भरो, इसे कार में ले जाओ। जल्दी करो, चलो 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 निकी। हाँ। चलो निकी जा, चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी करो, क्विकली। हम ये सब जलने नहीं दे सकते, हमें कुछ करना चाहिए। जगह भेज रही हूँ, तुमने जो गलती की है उसे सुधारने आ रही हूँ। देर हो चुकी है, आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। किलियन खत्म। तुम कितने बुरे हो, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैंने कहा था वो तैयार नहीं है। तो फिर आगे आप क्या करने जा रही हैं? मुझे नहीं पता मैं क्या करने जा रही हूँ। मतलब आपने कुछ तो सोचा होगा। मैं सब कुछ सच बताऊंगी कि तुमने किलियन को हीलियो सक्रिय करने भेजा जबकि वो तैयार नहीं था, समझे? बातों से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की मिलीभगत है। अपराध में भागीदार, क्या उसका अंत ऐसे ही होगा? आपको पता है मुझे परवाह नहीं है। अब तुम्हारा फैसला। चलो चलते हैं। ईव, तुम जाओ, हम यहीं रहते हैं। नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? वो सही कह रहा है, जाओ। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। यही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ ओलिविया और मुझे अपनापन जैसा लगता है। इसे छोड़कर फिर से दुनिया भर में जाना आसान नहीं है। गॉड, लेकिन ऐसा हमने कई बार किया है, हम इसे फिर से बना सकते हैं। नहीं, यहाँ रहकर भी हम आग की लपटों को नीचे आने से रोक सकते हैं। हम ठीक हो जाएंगे। प्लीज ऐसा मत करो। ईव, उनकी बात सुन लो। जाओ, तुम्हारे पास निकी है, हमारे पास घर है। क्या आपको यकीन है? हाँ, यकीनन। उनकी बात सुनो, जाओ। मेरे लिए महत्वपूर्ण, मुझे पता है।
मुझे उनके नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या आप सीरियस हैं? मैंने तुम्हारे पिताजी को सवारी करना सिखाया। तुम ठीक हो? वो आपको सबके लिए दोषी ठहराएंगे। हाँ, निश्चित रूप से मेरे बॉस डेक्कन करेंगे। हाँ, शायद वो सही है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मैंने आपको पिछले 2 सालों में 2 बार देखा। मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती। क्या आप इस बात को समझती हैं? अगर कोई खबर चाहिए तो टैबलेट पर चेक करो। क्या आपको लगता है ये सच है? क्या कि CIA मिडुला को जानते हुए भी इसमें विस्फोट हो जाएगा? सुना है यूक्रेन से वो सैनिकों को लाने की कोशिश करते हैं कुछ तेल के मुद्दों के लिए। क्या ये जोक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वहां से भाग गए। रोना बंद करो कॉपर। कम ऑन। हेलियस केमिकल से हुआ बहुत बड़ा रिसाव और आग के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या ये चल रहे भूकंपों के कारण हो सकता है? इस चरम तापमानों पर हेलियस जलने का प्रबंध करता है भूमिगत चैनलों की खुदाई करके, ठीक उसी तरह जैसे फॉल्ट लाइन के संपर्क में आने से भूकंप आता है। नासा की यह छवि हमें दिखाती है कि कैसे हेलियोस भूमिगत जलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहा है। इसे जल्द से जल्द रोकना होगा वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। केवल 12 घंटों में पूरा शहर नष्ट हो सकता है। कब तक जलेगा ये? जब तक उसकी क्षमता है। हम डॉक्टर कार्टन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस पदार्थ को बनाया है। हमारे साथ डेक्लिन है जो बताएंगे कि क्या हुआ था। मेरी कंपनी डॉक्टर कार्टन पर विश्वास करती थी। आपने ना केवल हमारे भरोसे को तोड़ा है, आपने हमारे साथ ही नहीं पूरे देश के साथ धोखा किया। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। मैं डॉक्टर कार्टन को बहुत ही अच्छा समझता था और बहुत ही ईमानदार समझता था। शब्द पर विश्वास न करना। मैंने अनुमान लगाया था।
दरअसल मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। शांत हो जाओ। मैं कहाँ हूँ? मैम, आप हमारे कैंप में हैं। तुम डॉक्टर तो नहीं लगे? देखिए मैम, मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपकी कार समय पर मिली इसीलिए। इसका नाम शायद निकी? Yes. वो ठीक है, देखिए उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। शांत हो जाइए प्लीज। आप ये सब देखकर हमारी मदद क्यों नहीं करती? वैसे तो हमें भी इसकी ट्रेनिंग नहीं देनी है। मुझे खुशी है आप यहाँ हैं। दरअसल हमारे दो ट्रक गायब हैं, इसी कारण यहाँ मेडिकल सप्लाई कम है। चारों ओर देखिए, ये सारे के सारे लोग दहशत में हैं। आपको इनसे बात करनी होगी। कैप्टन, जल्दी आइए। मैं अभी आया। इसीलिए मैंने उससे शादी की थी। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक रिंग चाहिए। रिंग बोली ना तो? Are you alright? तुम्हारी इंसुलिन कहाँ है? ठीक हो, मुझे बस कुछ खाना है और सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी कार नहीं, ये ठीक नहीं है। आपको कार को बर्बाद नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने ठीक है, तुम यहाँ बैठो, बैठो, मैं कुछ लाती हूँ। जवाब ढूंढने आती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और डैम यहाँ है, और अगर हम इस तरह से फाटक खोलते हैं तो
बाढ़ आ जाएगी। मुझे आपके ऑफिसर से बात करनी है। क्या? मेरे साथ आइए। क्या वो ठीक है? क्या चल रहा है? डायबिटीज है। मुझे इंसुलिन हिट नहीं हो रही है। मैंने इसे फलों का रस लिया है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कैप्टन, जब आपने हमें कार में पाया तो आपको इंसुलिन किट मिला? नहीं, इंसुलिन नहीं है। ये यहाँ नहीं है। इसे जूस चाहिए। सुनो, मैं कैप्टन हील बोल रहा हूँ। मुझे मेडिकल टेंट में जूस चाहिए। मुझे देखो, मेरे साथ रहो। जूस काफी नहीं है, इसे इंसुलिन की जरूरत है। सुनिए, हमारे पास मेडिकल सप्लाई कम है, इसीलिए ये लीजिए सर। बस इतना ही, कैंप में इतना ही बचा है। सॉरी सर। थैंक्स। मेरी बात सुनिए, हमें घायलों की मदद करनी होगी। स्थानीय बलों को लूट के बारे में सोचने दो। क्या यहाँ इंसुलिन नहीं मिल सकता? यही पास में एक कस्बा है, हम वहाँ जाकर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, क्या कोई वहाँ जा सकता है? देखिए, पॉसिबल नहीं है क्योंकि कल सुबह एक टीम आएगी। सुबह में? सुबह तक बहुत देर हो जाएगी, उसे इंसुलिन अभी चाहिए। डॉक्टर, मैं जाऊंगी। आप वहाँ कैसे पहुँचेगी? हम बाइक ले जा सकते हैं। आप कर पाएंगी? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सुनिए, निकी की उम्र का ही मेरा एक बेटा है। अच्छा, तो उसका नाम क्या है? टॉम। देखिए, मैं आपको जितना हो सके सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास और एक प्लान है। अगर हमें इस आग को रोकना है तो हमें डैम के दरवाजे खोलने होंगे। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट, क्या आपको लगता है वो उसे जाने देगी? अगर हमने इसे नहीं रोका तो हीलियस 100 साल तक जलता रहेगा। देखिए, ये मेरी रैंक से बाहर है। देखिए, अगर आपको सलाह चाहिए, अभी के लिए आपकी बेटी के बारे में सोचिए। मुझे ये पता है। चेहरा न्यूज पर दिख चुका है, याद है? वो एक्सीडेंट हुआ था प्लांट में। उन्होंने क्या कहा? देखिए, आप इसे अपने पास रखिए। मुझे देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? इस वजह से मेरा कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग 1 घंटे में वापस यहाँ आए। मैं वादा करती हूँ। थैंक यू कैप्टन। मेरा नाम डेरेक है। आप ध्यान से जाइए, अपना ख्याल रखना। आपको मदद चाहिए? ओह हाँ कप्तान, हाँ। मैं एक महिला और उसकी बेटी को ढूंढ रहा हूँ, शायद वो यहीं कहीं है। वो अमरीकी है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे लगता है वो यहाँ से चले गए। कोई हमें ढूंढ रहा होगा। डेक्लन ने कहा होगा कि हम मर चुके हैं। नहीं, कोई संकेत नहीं है। डेक्लन पागल है, उसने वियतनाम में कैदियों से पूछताछ की। जरा रुकना। क्या 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 चल रहा है? लेकिन यहाँ पर चौराहा नहीं होना चाहिए। हमें और कितने घंटे चलना है? तुम्हारा मतलब हम खो गए हैं? तुम जरा 1 मिनट रुको।
तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो कौन है? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये क्या हो रहा है? ठीक है, हमें यहाँ से जाना होगा। सब कुछ इकट्ठा करो और मेरे पीछे आओ। मैं डैम की तरफ जा रही हूँ।
मुझे पता है इसे कैसे रोकना है। आग? हाँ आग। क्या वो इसे कहते हैं? वो डैम है, हम उसके पानी का इस्तेमाल करके आग बुझा सकते हैं। इससे पहले कि मैं डैम खोलूं तुम्हें वहाँ से निकलना होगा। इससे पहले कि मैं पानी साफ करूं तुम्हें वहाँ से निकलना होगा। नहीं सुनो, वहाँ की मेन लाइन ताले के पूर्व और नदी की ओर जाती है, सही है? ये ताले से करीब करीब 3,000 मीटर नीचे है। बिल्कुल, आग की वजह से वहाँ का तापमान काफी ज्यादा होगा। हाँ हाँ, जब नदी में से पानी बर्स्ट होगा तब माइंस में पानी भर जाएगा और आग बुझा देगा और हीलियस को बेअसर कर देगा। ये बहुत जोखिम भरा है, ये नदी तक नहीं पहुँचा तो पूरे शहर में पानी हो जाएगा। आपके पास कोई और ऑप्शन है? ठीक है, मेरे पास भी नहीं। मेरी बात ठीक से सुनो, डेक्कन से दूर रहो। उसने हमें नीचे ब्लॉक कर दिया है और उसे कहो कि हमें बाहर निकाले। उसने मुझ पर गोली चलाई। उससे दूर रहो, समझ रही हो तुम? हाँ, और अपना ख्याल रखना, ठीक है? और जल्दी से उस माइन से बाहर निकलने की कोशिश करो। हाँ हाँ ठीक है। एंड विश मी लक। अब क्या? ठीक है दोस्तों, कम से कम हमने संपर्क किया है। ठीक है, ध्यान रखना, चलो यहाँ से। तो आप एक बांध खोलना चाहती हैं? हाँ निकी, क्या अगली बार मुझे पहले बता देना। मॉम मॉम मुझे ये पसंद है। हाँ लेकिन इसकी आदत मत डालना ईव। चलो चलो। दोस्तों ये पुरानी खदान है, हमें सीढ़ियों तक ले जाएगी, हम यहाँ से निकल सकते हैं, चलो कम ऑन, चलो चलो जल्दी चलो। ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी नर्क में हो। अभी जल्दी मॉर्निंग हो जाएगी, हमें गैस भरने की जरूरत है। सीधे रास्ते चलकर हम डैम पर पहुंचेंगे। ठीक है आप कहती हैं तो ठीक है, रुको। प्रोमेथियन काइनेटिक्स ने अभी एक बयान जारी किया है, वो अपने खोए हुए जीवन पर दुखी है लेकिन वो डॉक्टर कार्टर द्वारा किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपदा में उसके नहीं रुको, खोजने वाले मेरी बात सुनो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ऐसा मत करो, आप पा सकते हैं 5 मिलियन। मेरे पास ऐसा करने के लिए 5 मिलियन कारण है, क्यों नहीं? हमें यहाँ से जाना होगा, कोई कहीं नहीं जा रहा है। क्या है वहां पर? रुको,
आवाज सुनकर भाग गई। डॉक्टर ईव कार्टर? हाँ वो वही थी, मैंने उसे टीवी में देखकर पहचान लिया। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ सर? नहीं, आप उनकी मदद कीजिए। Thank you.
जंगल की आग देश को तबाह कर रही है। पीके घटना से हेलियस प्राग को नष्ट करने की धमकी देते हुए चलता रहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सहायता के लिए कई सैनिक भेजे हैं। शेख आबादी लेकिन आग अंतिम रूप से फैलती जा रही है। जैसा कह रही हूँ वैसा करो। इससे पूरी घाटी में बाढ़ आ जाएगी। बिल्कुल नहीं। अगर मैं डैम के पानी को छोड़ देती हूँ तो वो नीचे बहकर माइंस में जाकर आग को बुझा सकती है, समझे तू? हमें ये अभी करना है। मैडम, वो पागल है। तो अब मैं क्या करूँ? मैडम प्लीज। ठीक है, वो वाल्व खोलो, पावर नॉब को सक्रिय करें और लीवर को नीचे। कर मेन वॉल्व चालू करो, जल्दी जल्दी। कहाँ हो तुम? हिलने की कोशिश मत करना। हिलना मत, कमीने इंसान। तुम मुझे गोली मारोगे? कोशिश भी मत करना। तुम्हारा तो पता नहीं मगर मेरा निशाना बहुत तेज है। हाँ, सिर्फ मैं नहीं हूँ, किलियन की तरह और भी है। हाँ बिल्कुल। आपको पक्का यकीन है? मेरा यकीन करो, मैं इसका पीछा उड़ा दूंगा। Let's go.
सच का ब्लॉग है। जिस औरत ने मुझे इस दुनिया में लाया, मैं उन्हें जानती नहीं थी। जब मैं बहुत छोटी थी वो चली गई थी। मैंने उनसे नफरत करने के सारे कारण ढूंढ लिए थे, लेकिन उतने सारे कारण काफी नहीं थे। उसे छोड़ दो। वो उन्हें 20 साल जेल देना चाहते थे। मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है मुझे इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा उन्हें जानने का। जो चाहिए वो ले लो और निकलो यहाँ से। इसमें से दो लोग बच गए और वहाँ जो कुछ भी हुआ उन्होंने दुनिया के सामने लाया। से बच गए थे और उन्होंने सबको बताया कि वास्तव में क्या हुआ था। हजारों लोग मर गए, लेकिन वो बाकी लोगों को बचाने में कामयाब रहे। उन्हें चेक गणराज्य में एक नायिका माना जाता है। और अब मैं भी ये मानती हूँ, डेकन की मौत ने जांच समाप्त कर दी। गुड इवनिंग निकी और ईव में आपका स्वागत है। क्या आपका बुकिंग है? थैंक यू। मेरे पीछे आइए, यह आपका टेबल है। ईव को महत्वपूर्ण नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। मुझे कैलिफोर्निया का वापस टिकट मिलता है, लेकिन दूसरी ओर हमने एक दूसरे के साथ रहना चुना। पिछले महीने हमने बहुत सारी चीजों का सामना किया, लेकिन वास्तविकता यह है हमें जीवन भर के लिए क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। आप क्या ऑर्डर देना चाहते हैं? और चिकन बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर वेज बहुत अच्छा मिलता है। मॉम, पर चिकन भी बहुत अच्छा है। sure. क्या कर रही हो? ब्लॉगिंग। ओह, बहुत बढ़िया। आप कहाँ थी? अब हम एक परिवार हैं, जैसा डैड चाहते थे। मैंने अतीत को पीछे छोड़ना जरूरी समझा। अब वो मेरी नायिका है, वो मेरी माँ है। डैड, आप जहाँ कहीं भी हो, मैं जानती हूँ आप वहाँ से देख रहे होंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।